गांडे मुख्यालय में भाजपा की परिवर्तन यात्रा सभा सोमवार को होगी। रविवार को इसकी तैयारी पूरी कर ली गई। इस परिवर्तन यात्रा में बतौर मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स कोडरमा, लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी, राज्यसभा सांसद कार्यक्रम प्रभारी दीपक प्रकाश मौजूद होंगे। इसी के मद्देनजर भाजपाइयों ने जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में बैठक की और कार्यक्रम की सफलता की रणनीति बनाई। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि गांडे विधानसभा हमारे लिए हॉट सीट बन गई है, यहां जीत हासिल करना हमारा लक्ष्य है। कहा कि कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी को आगे आने की जरूरत है। भाजपा नेता साथ सांसद प्रतिनिधि बेंगाबाद जयप्रकाश मंडल, जीप अध्यक्ष मुनिया देवी, यदुनंदन पाठक, भाजपा के प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा आदि ने भी अपना विचार व्यक्त किए। कहा कि गांडे में परिवर्तन यात्रा ऐतिहासिक होगी। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। इस क्रम में भाजपाइयों ने गांडे नवोदय विद्यालय के सामने बन रहे सभा स्थल में स्टेज निर्माण, हेलीपैड निर्माण व अन्य व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान गांडे थाना के पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहे। मौके पर प्रमुख राजकुमार पाठक, प्रखंड अध्यक्ष प्रकाश यादव, उपाध्यक्ष हरि मंडल, सुरेश मंडल, महेश राम, मनीष कुमार, महेंद्र वर्मा, कुलेश्वर वर्मा, रघुनाथ यादव, चिंतामणि सिंह, अभिषेक पाठक, भरत शर्मा, श्याम पाठक, गांडे इंस्पेक्टर कमाल खान, थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह समेत कई भाजपाई मौजूद थे। हम लोग गांडे विधानसभा में माननीय हमारे जो मोहन जी है, मोहन यादव जी है मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश का कालीन का आगमन होगा, परिवर्तन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, मोहन यादव जी का बातों को सुने। आप जो संकल्प परिवर्तन यात्रा जो निकला है उसको सफल बनाने में कामयाब हो, पूरे गांडे विधानसभा के वासियों से मैं विनती करती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि अधिक से संख्या में लेकर के पहुँचे, इनको बातों का सुन करके परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने में कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड प्रदेश में परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम प्रारंभ की है, उसी के तहत कल गांडे विधानसभा के परिवर्तन यात्रा सभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, उनका परिवर्तन, इस सरकार के परिवर्तन करने का संकल्प यह है, उसी संकल्प के तहत कल सभा होनी है और उस सभा को हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और दीपक प्रकाश जी और अन्नपूर्णा देवी जी मंत्री जो भारत सरकार में और इस क्षेत्र के सांसद हैं, सभा को संबोधित करेंगे। धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम कल होगा इसमें मुआयना करने आप लोग आए, अगर अपने लिए राज्य की सत्ता को परिवर्तन करने का मन बना चुकी है, इसी के तहत कल मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी यहां पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो संकल्प यात्रा का जो जनसभा होनी है इस मैदान में होगी और यहां भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता एवं आवाम जन मानस यहाँ किएगा कि यहां के लोग जिनको नहीं भी हम लोग आमंत्रित कर पाए हैं, निमंत्रण दे पाए, वैसे लोग भी यहां वो आएंगे और जन सैलाब उभर करके आएगा और यहां संकल्प होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कोई वादा नहीं करती है, संकल्प करती है और जो कहती है वो करती है। इसलिए हम लोग यह संकल्प ले चुके हैं कि न कहेंगे न सहेंगे, झारखंड में हेमंत सरकार को बदल के रहेंगे। अगर आप अपने बच्चों के लिए रेडीमेड स्कूल ड्रेस या कपड़े लेकर सिलवाना चाहते हो तो गांधी चौक स्थित शंभु वस्त्रालय अवश्य पधारें। यहां कारमेन, डीएवी, हॉलीक्रॉस, एसएसडीएम या अन्य कई स्कूलों के स्कूल ड्रेस होलसेल दाम में उपलब्ध है और अगर कपड़े लेकर ड्रेस सिलवाना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है। तो स्कूल ड्रेस के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता शंभू वस्त्रालय, गांधी चौक, गिरिडीह।